पति नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। इस पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ शर्तों पर राणा दंपति हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जबकि राणा दंपति ने आयोजित की रैली को अनुमति नहीं दी गई है। राकांपा के कार्यक्रम के बाद राणा दंपति को हनुमान चालीसा का समय दिया गया है और शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होने की शर्त भी रखी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने परमिशन मांगा था, उनको परमिशन कल 12 बजे से दी गई है। मंदिर और मंदिर परिसर का जो जगह है वहाँ पे उनके लोग रहेंगे और वो जो भी उनकी आरती पूजा हनुमान चालीसा पठन वो मंदिर के अंदर में करेंगे, इसकी परवानगी दी गई है। उनका प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद राणा दंपति का को परमिशन, मतलब उन्होंने रैली की परमिशन मांगी थी एयरपोर्ट से मंदिर तक, वो परमिशन रिजेक्ट की गई है। लेकिन मंदिर में आके मंदिर में दर्शन, हनुमान चालीसा पठन, आरती, उसकी बिना लाउडस्पीकर के, उसके लिए भी उनको ना हरकत दी गई है। जमाव कोई भी बाहर नहीं आएगा और किसी भी प्रकार की प्रक्षोभक भाषण वगैरह नहीं होगा, इसकी कंडीशन उनको लगा दी गई है। कोई भी वहां पे लाउडस्पीकर किसी भी पक्ष के द्वारा मंदिर के परिसर में लाउडस्पीकर नहीं रहेगा, इसकी भी कंडीशन लगाई गई है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।